कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के बारे में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी जो पिछले स्लाइड में हमने देखा वो क्या देखा, डिफरेंस देखा, कंपेयर किया हमने प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अब इस स्लाइड में जो है क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये पहला वाला ऑब्जेक्ट बेस्ड है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या कंसेप्ट डिफरेंस होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है, ये सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग जो है वो एक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है जिसमें प्राइमरीली सपोर्ट्स एनक्रिप्शन, मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन और ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी सपोर्ट करता है। अगर हम बात कोई कोड कर रहे हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जिसमें यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच को, तो उसमें हम क्या क्या सब यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका उस अप्रोच में किस किस कंसेप्ट का सपोर्ट होगा, वो होगा एनकैप्सुलेशन एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी का। मेजर फीचर्स जो हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के जो रिक्वायरमेंट है उसमें मेजर फीचर्स क्या क्या हैं, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग एंड एक्सेस मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन एंड क्लियर अप ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेजर फीचर्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो छह हमने कंसेप्ट देखे थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहला था ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन एनकैप्सुलेशन। तो इसमें से ये जो चार चीजें हैं यहाँ पे देखिए आप, कंसेप्ट तो तीन है, एक तो एनकैप्सुलेशन है, एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक पॉलीमॉर्फिज्म है, और इस चौथा जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो है ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन एंड क्लियरिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो छह में से तीन कंसेप्ट इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में रिक्वायर्ड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अब यहाँ पे बात करें तो इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग में रिक्वायरमेंट थे फीचर्स, वो सारे फीचर्स और साथ में एडिशनल फीचर जैसे इनहेरिटेंस एंड डायनेमिक बाइंडिंग, ये सब भी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के फीचर्स प्लस इनहेरिटेंस एंड डायनेमिक बाइंडिंग, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं लैंग्वेज के, C++, जावा, ऑब्जेक्ट पास्कल, स्मॉल टॉक। ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग रन टाइम पे जो बाइंडिंग होती है, स्टैटिक होती है और डायनेमिक होती है। स्टैटिक होती कंपाइल पे, रन टाइम पे होती है, वो होती है डायनेमिक। मेमोरी बाइंडिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो रन टाइम पे जो भी होगा वो डायनेमिक होगा।